नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। फिरोजाबाद में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलेगी राहत की सांस। प्राइवेट अस्पताल ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगाया ऑक्सीजन प्लांट, जिसके चलते अब ओम हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ोतरी लगातार जारी है, जिसमें आंकड़ा 1200 के ऊपर पहुंच गया है। वहीं अब तक सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 87 लोगों की मौत भी हुई है, जहां 1100 लोग लगभग आज भी होम आइसोलेटेड है। जिस तरह वर्तमान में लोगों को ऑक्सीजन न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर स्टेशन रोड स्थित ओम हॉस्पिटल ने यह निर्णय लिया कि वह अब खुद के ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराएंगे, जिसके चलते आज ऑक्सीजन प्लांट चालू कराया गया, जिससे आम नागरिकों को सहूलियत मिल सके। इस मौके पर बीजेपी के लोकप्रिय नगर विधायक मनीष असीजा द्वारा नारियल फोड़कर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस प्लांट की ऑक्सीजन उत्पादक क्षमता 115 लीटर प्रति मिनट रहेगी। 15 हॉर्स पावर के इस प्लांट में 25 से 30 सिलेंडर प्रतिदिन का उत्पादन जारी रहेगा, जो कि एक दिन में 30 मरीजों के लिए पर्याप्त रहेगी। कंपनी के इंजीनियर हैं, एक पावर की ऑक्सीजन कंपनी के, उन्होंने मुझे इसका मोटी मोटी भर के बताई है। आपके माध्यम से ये अगर लोगों को पता लगे तो अच्छी है। ये कंप्रेसर है, ये हवा खींचता है, ये ड्रायर है, ये हवा को सुखाता है, इसका मॉइस्चर यहाँ से निकल जाता है। फिर ये बैक्टीरिया प्यूरीफायर है, वो इसको प्यूरीफाई करके टैंक में डालते हैं। फिर इस टैंक से ये फिर दूसरा बैक्टीरिया प्यूरीफायर है, वो यहाँ से होता हुआ ये ऑक्सीजन बन जाती है, और ऑक्सीजन से ये उसके स्टोरेज सिलेंडर में चली जाती है, और इस स्टोरेज सिलेंडर के माध्यम से पाइपलाइन जो जा रही है, ये सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम जो है इसका बेड पर, इससे हम लोग 25 सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन हम लोग एक दिन में इससे बना सकते हैं, और ये सारे मरीजों में इससे ऑक्सीजन का प्रेशर भी बहुत अच्छा आता है, तो उससे प्योर ऑक्सीजन और अच्छे प्रेशर के साथ मिलती है, तो उन्हें ऑक्सीजन से जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो इससे हम लोगों को अब जो रोज़ हम लोगों को दिक्कत रहती थी, हम लोग सोचते थे आज सिलेंडर का इंतजाम किया जाए, अब आज किया जाए, वो चीज़ कम हो जाएगी, प्रशासन पर लोड कम हो जाएगा, और मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाएगी कि हम देखिए ओम हॉस्पिटल जिसने इस महामारी के काल में स्वयं की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अपने एक हॉस्पिटल की विंग को डेडिकेटेडली कोविड के मरीजों के इलाज के लिए स्वयं अपनी इच्छा जाहिर करी, लिखित रूप से आवेदन दिया, जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ साहब के निरीक्षण और प्रोटोकॉल के आधार पर इनको अनुमति मिली, लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ऑक्सीजन की महामारी में, ऑक्सीजन की दिक्कत किल्लत में इन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों से, इस प्रयास से क्या है कि अब सरकार पर लोड घट गया इस हॉस्पिटल का, लगभग 30 लाख रुपए की लागत का ये ऑक्सीमेड कंपनी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया है। इसकी क्षमता 115 लीटर प्रति मिनट की है, अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो 7 क्यूबिक मीटर की क्षमता के 24 से 25 सिलेंडर ये प्रतिदिन भर सकेंगे। डॉक्टर गौरव अग्रवाल साहब और डॉक्टर मैडम हमारी पूनम अग्रवाल जी और इनकी टीम दिन रात कोविड के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनका ये बताना है कि इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से उनके लगभग 30 मरीजों वाले इस कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहेगी। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने त्रिस्तरीय चुनाव एवं जिला पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री जयवीर सिंह एवं रामगोपाल यादव पर साधा अपना निशाना।
सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने मंत्री जयवीर सिंह राम गोपाल यादव पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि जिला पंचायत पद की उम्मीदवार मेरा पुत्र छोटू यादव एवं मेरी पत्नी को हराने के लिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव और मंत्री जयवीर सिंह अपना निशाना साधते हुए अपने पेट की निकाली भड़ास यह लोग भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और प्रोफेसर राम गोपाल सपा पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह के परिवार में दरार डाली है और जिला फिरोजाबाद में भी यह बंटवारा कर रहे हैं। यह जनता के बीच में जाट विरोधी के शब्दों का प्रयोग करके जनता को भड़का रहे हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ हूँ। इनके भड़काने में जनता नहीं आई, जनता ने मेरा भरपूर योगदान किया, मेरा साथ दिया है, मैं जनता का आजीवन आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। सबसे पहले मैं 29 नंबर वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता ने हम और हमारे परिवार पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, हमारी सेवा पर भरोसा किया, इसलिए मैं जनता का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जहाँ तक हमारे परिवार के दो सदस्यों का जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन होना है, तो ये हमने टेस्ट किया था कि हम पार्टी से निकाले गए थे। पार्टी से निकालने के बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने और उसके लड़के ने यहाँ ऐसा जाल बिछा दिया था और जनता में सपा के जो लखफंगे टाइप के जो भर्ती कर लिए हैं, उन्होंने ये कहा था कि हरिओम यादव को उसके परिवार को राजनीतिक हैसियत से ख़त्म कर दो उस चुनाव। पूरा जिला 30 नंबर वार्ड में विजय प्रताप की मम्मी के वार्ड में पूरा जिला जातवार नेता, जहाँ हरजन थे वहाँ हरजन नेता लगाए गए, जहाँ बघेल थे वहाँ बघेल नेता लगाए गए, और इतनी निष्ठा का परिचय दिया प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कि जात में भी गोत्रवाद, हमने राजनीति गोत्रवाद की नहीं की, हमने राजनीति जनसेवा की है। लेकिन हम पहली बार जान पाए अपने क्षेत्र में कि इस गाँव में बिलहनिये रहते हैं, इस गाँव में सौंदले रहते हैं, इस गाँव में फाटक रहते हैं, इसमें सौरखिया रहते, इसमें रावत, ये हमने पहली बार देखा। इस प्रोफेसर ने समाज को भी बांटने का काम कर दिया, तो इसकी बुद्धि पर हम लोगों को तरस आती है कि नेताजी का भी परिवार तोड़ दिया और समाज को भी तोड़ने का काम कर रहा है, और फरियाबाद की जनता हम लोग पूरे समाज को, हमने अपने क्षेत्र की और जिले की जनता को सबको रिश्तेदार समझा, सबको अपना समाज समझा, सबको खानदान समझा, सबको अपना घर समझा, लेकिन किसनी निश्चित मानता के लोग यहाँ बाहर से आ गए हैं, तो यहाँ गोत्रवाद, वर्गवाद, जातवाद में और लोगों को भड़का करके 30 नंबर में विजय प्रताप की छोटू की मम्मी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी प्रोफेसर रामपाल ने, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। लेकिन हम जनता को धन्यवाद देंगे, सब पैसा बेकार गया, सारी चीज़ और जनता ने मोहर लगा दी कि हमारे नेता, हमारे सेवक हरिओम यादव हैं, उनका परिवार है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे संकट की घड़ी थी। हर पार्टी के किसी के साथ पार्टी खड़ी थी, किसी के पास धन खड़ा था, किसी के पास बल खड़ा था, किसी के पास अपराधी खड़े थे, लेकिन हरिओम यादव के साथ कोई नहीं था, सिर्फ ऊपर वाला था और जनता थी। ऊपर वाले की कृपा से जनता ने दिखा दिया लोगों को कि हरिओम यादव की सेवा जनता ने स्वीकार की है, और सेवा के बदले में विजय प्रताप को बहुत बड़ी जीत से मैं समझता हूँ आगरा मंडल की सबसे बड़ी जीत होगी। 17,000 वोटों से जिताया है, और उनकी मम्मी को या पूरा जिला रहा, जैसे इस लड़ाई में पहली बार हमने देखा, पहली बार नहीं हुआ तो कई बार है कि प्रोफेसर और जयवीरा मिलकर हमेशा लड़ते रहे, जहाँ भाजपा के प्रत्याशी को इस बार में 5,000-6,000 वोट मिलना चाहिए था, उसे 500 वोट भी नहीं मिला, पूरा वोट जयवीरा ने प्रोफेसर से मिलकर और पूरा सपा के प्रत्याशी डाल दिया। हमने कहा भी ठाकुरों से, तुम्हें तो सपा से बहुत नफरत है, लेकिन अब के सपा के प्रत्याशी से क्यों सपा से ऐसी हमदर्दी आ गई, सपा को वोट कर रहे थे, अरे अपने पार्टी के लोगों को दे दो। तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे नासूर जयवीरा से सावधान रहो, ये प्रोफेसर समाजवादी पार्टी को खत्म कर रहा है और जयवीरा भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहा है, ये दोनों मिलकर दोनों पार्टियों को खत्म कर रहा है,
ये षड्यंत्र है और ये पार्टी को ही नहीं खत्म करें, इनका एक वो है कि इस जिले का नेतृत्व खत्म करना चाहते हैं रामगोपाल यादव। यह भी तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म है। तो ये प्रोफेसर ये दोनों मिलके जनता को संकट से उबारना नहीं, संकट में डालना चाहते हैं। लेकिन जब तक हरिओम यादव हैं, हमारा परिवार मजबूती से राजनीति में खड़ा है, तब तक जनता के साथ हम खड़े, जनता के साथ अन्याय उसके नहीं होने देंगे। अब वैसे रामगोपाल को जिला छोड़ देना चाहिए, बेसमय की हिंसा हो गई, लोगों ने लड़के भरा दिया, अब भी सपा को साथ कर दिया और अभी भी यहाँ जमे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब बिस्तर गोल हो गया, यहाँ से चले जाइए, बस जब चले जाए जिला छोड़ को तो ठीक है ना, अब जनता काला भी करके आपको सेटिंग भेजेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फरियाबाद की जनता पर रामगोपाल को दया कृपा करनी चाहिए कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के हमने दया की है, हमें माफ़ कर दी, अब हम अब लौट वापस इटावा जा रहे हैं। भीड़ है, ये मेरी सलाह है प्रोफेसर रामगोपाल, धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला, सरेआम प्रशासन के आदेशों की उड़ाई जारी है धजिया। गांव भैना में अमित तोमर प्रधान की जीत पर खुशी का जश्न मनाते हुए ग्राम प्रधान व अन्य लोग जिला कलेक्टर के आदेशों को रखा ताक पर, पुलिस अधीक्षक के आदेशों की किरकिरी नहीं है कोई डर, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। थाना नारकी की चौकी नगला बीच कस्बे में लॉकडाउन का उल्लंघन करते नगला बीच के दुकानदार। फिरोजाबाद में लॉकडाउन के बावजूद भी अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, जिससे पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजार में दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिली है, जिससे लग रहा है कि शहर में कोई लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे है और साथ में कोरोना जैसी महामारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मतगणना को लेकर फिर एक बार लगे प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप। भारतीय जनता पार्टी, सपा, प्रसपा सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने लगाया मतगणना में गड़बड़ी का आरोप। वार्ड नंबर 24 के तमाम उम्मीदवारों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। तमाम ग्राम सभाओं में प्रधान पद के उम्मीदवार ने भी लगाए गंभीर आरोप। फिलहाल DM कार्यालय पहुंचे तमाम उम्मीदवार दर्ज कराया विरोध, कई पन्ने गायब है जिन्हें DM एवं ADM मांग रहे हैं, किंतु अब तक नहीं आया। गौरव राजपूत उम्मीदवार वार्ड नंबर 24, मतगणना नहीं हुई, पूरी निष्पक्षता के साथ मुझे जानबूझकर हराया गया। देव यादव जिला मंत्री, जिला कार्य योजना समिति सदस्य एवं मेंबर नगर पालिका शिकोहाबाद, भारतीय जनता पार्टी। मैं वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी हूँ जी। मैं चुनाव जीता था वार्ड नंबर 24 में, जब काउंटिंग हुई थी उसके बाद मैं 36 घंटे लगातार खड़ा रहा जी। तो मैं सुन के वहाँ से निकल आया कि मैं चुनाव जीत ही गया हूँ। जब चुनाव हो गया उसके बाद रिटर्न में जब ये लिस्ट जारी हुई तो उसमें ये हुआ कि जैसे 247 से लेकर 264 के बूथ पे मेरे वोट, जितने मेरे मतपत्र पड़े थे वो दयाशंकर को नाम पे ट्रांसफर हो गए और मुझे 0-0 कर दिया। मेरा जो सबसे ज़्यादा मत जहाँ पड़ा था वो गांव पड़ता है नगलाउदी पहाड़पुर में, पंचायत संख्या है उसकी 263, मध्य स्थल नंबर है उसका, ठीक है। मुझे देखिए, आप यहाँ पर गौर से देखिए, ये देखिए, ये है दयाशंकर ये लिखा हुआ है, ये देवेंद्र प्रताप सिंह लिखा हुआ है, ठीक है। इस आदमी के वार्ड नंबर 24 में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री नहीं लगी है, सिंबल तक कहीं नहीं पहुंचा है, परंतु इसके 416 वोट निकले हैं यहाँ पर। और ये डमी प्रत्याशी है भीमसेन कुशवाहा जी के, और भीमसेन कुशवाहा जी को चुनाव जिता दिया गया, और मेरा जो पहाड़पुर में सबसे मजबूत गाँव था वहाँ मेरे वोट निकले हैं 2। आप सब लोग इस चीज़ पर देखिए। और ADM साहब को मैंने शिकायत की, ADM साहब को उन्होंने फॉरवर्ड किया, ADM साहब ने RO साहब को बुलाया जो काउंटिंग RO थे, सारे उनके पास प्रपत्र है 49-50,
सिर्फ यही प्रपत्र नहीं है, 247 से लेकर 264 तक के प्रपत्र उनके पास मौजूद नहीं है, सारे प्रपत्र हैं, बस 247 से 264 तक के प्रपत्र 49-50 नहीं है, और डेढ़ घंटे से वो उसको लगातार मंगा रहे हैं, अभी तक नहीं, वो डेढ़ घंटे से अरेंज नहीं हो पाया। और एक सेकंड मेरी पूरी बात सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन का आदेश था कि मतगणना, क्या आश्वस्त किया है आपको और क्या लगता है आपको? अधिकारियों का रिप्लाई बहुत अच्छा आया है मेरे लिए, डीएम साहब ने तुरंत एडीएम साहब को फ़ोन किया कि वार्ड नंबर 24 की जानकारी करिए, आर ओ साहब को उन्होंने बुलाया, आर ओ साहब, देखिए आर ओ साहब को भी मैं इस पर फिंगर पॉइंट नहीं करूँगा, हो सकता है कि ये जो टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दी हो, उसने अपने डाटा ऊपर के नीचे हो गया उससे गलती से, मेरा तो बस इतना निवेदन है जो सही है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। इवन आप लोगों ने, मीडिया ने भी पेपर में छाप दिया है कि देवेंद्र प्रताप सिंह के 370 मत प्राप्त हुए, और जो हारने वाला प्रत्याशी है मेरे से नीचे वाला उसको 4700 कुछ मत प्राप्त हुए हैं, 4741। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इलेक्शन कमीशन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मैं, मेरा बस इतना ही निवेदन है सभी से। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।